जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखियो। पहले 100 शतक बनेंगे या फिर पेट्रोल के भाव 100 रुपए होंगे। कमर तोड़ दी। आश। आश। सूरज ठीक कैसे आई? ठंड लग गई क्या तने? बीनणी, रात ने खिड़की खुली छोड़ दी थी के? चतुरी लिया साग दे मने, मैं भी सुधार दियो थोड़ो। राम जी महाराज। धन्यवाद। बीनणी, आज चाय तो तूने बढ़िया बनाई है। आज की रसोई की भी तैयारी बढ़िया करना। नाक रख लेना सबके सामने मारी। भाबो, भाबो, वो मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। रात को पर आप जाप कर रही थी तो मैं कह नहीं पाई। हाँ, तू आई तो थी हमारे पास यही पूछने ना कि काल रसोई में के बनेगा। वो मैंने सूरज को बता दिया था और तुझसे बताने को भी कहा था, काम काज में भूल गया होगा। क्यों सूरज, एक काम कर, आज की रसोई में दाल बाटी चूरमा और गट्टे को साग बनाए। जी, वो मैं सोच रहा था कि सत्यनारायण मंदिर के बाहर जो बच्चे बैठते हैं उनको खाना खिलाए। नहीं नहीं, आलू पराठा कैसे बना सकते हैं? सही यही होगा कि हम दाल बाटी ही बनाएं। रे खड़ी खड़ी के करे है, बींद खांसता सुंदर दिखे है। जा जाकर थप्पी मार पीठ पे जा। नहीं बाबू, मैं ठीक हूं। सुन बेटा, काल रात ने जो थाने बापूसा को बदजमी की दवाई दी थी ना, वो आज मारे कमरे में राख दी है। आज तो इतना सारा पकवान बन रहा है, खाए बिना को नहीं रहेगा। और फिर पेट दुखेगा तो काल की तरह थारी और मारी दोनों की रात काली होवेगी, समझ गो ना? वो अरे बेटा, जो तूने मुझे रात को दवाई दी थी ना, वो जो दवाई तूने तो दी थी ना। हा
उससे काफी आराम पड़ा बेटा। माफ कर देना बेटा, आधी रात को तुझे जगाया, लेकिन गोली अच्छी थी। संतोष पकोड़े क्या? आज जो दाल बाटी चूरमा खाऊंगा ना, वो तो यूं बच जाएगा। मीना एक बात बता मुझे। हाँ हाँ जी। साड़ियों के गोदाम की सफाई कब करेगी तू? करनी भी है कि नहीं करनी? अगर आलस है तुझे थोड़ा सा भी, तो मुझे पहले बता दे, तू किसी और से करवा लेता हूँ मैं। नहीं नहीं जी, मैं सारे गोदाम की सफाई कर देती हूँ अभी अभी। रे पदमगढ़ की पद्मावती। जी बाबू। पहले अट्ठे को तो काम पूरा कर लिए, और सुन अट्ठे को काम पूरा हो जाए ना, तो दाईसा के घर पापड़ बेलने चले जाए। उसने जानबूझकर तनी उन्योता भेजा है पापड़ बेलने के लिए। वो जानना चाहे है कि मारी सूरज की बीनी अकेले ही इतनी लुगाई की रसोई बढ़िया बना ले वे कि नहीं। ते उसका बस चले तो एक टांग पर खड़ी होकर तपस्या कर ले वे कि मारी बीनी में खोट निकले और उसकी नाक ऊपर रह जाए। बीननी, आज हंसता हंसता दाईसा के माथे पर थोलियां मारने का मौका मिला है। इसने मना जाने दिए, बढ़िया खाना बनाए। और तू पद्मावती? हाँ बाबू। उनके सारे पापड़ बेलकर उन्हें सागे लेकर आना, ताकि उन्हें विश्वास हो जाए कि आज की सारी रसोई हमारी सूरज की बीननी ने अकेले ही बनाई है। जा, तू भी अभी से रसोई की तैयारी में लाग जा। आज हमारी लाश थारे ही हाथ में है। जी बाबू। रुक, मैं आऊं। राम जी, आऊं एक मिनट में। ले बीनड़ी। चिकन राया, इसे दुपट्टा मार लो। मारा हार 55,000 का मारा हार, 55,000 सुइया चुभ रही हमारे दिल में। खाना बनाने के बाद बढ़िया सा सिंगार कर ले। एक तरफ थारा गुण और दूसरी तरफ थारा रूप देखकर दाईसा की आंख में आंसू आए बिना मजो ना आवे को। ले चल, जल्दी से तैयार हो जा, मैं भी मारी पूजा पाठ संभाल लूं। जी बाबू, सुकून से थोड़ी रहेंगी, चले भी अब बिकेंगी ना इनकी। रे चतुरी, ले चल। विक्रम, दुकान नहीं जानो है क्या? हाँ बाबू। चल जा। हे ठाकुर जी महाराज, नहीं नहीं नहीं, इतना दाल, मेरा मतलब एक इंसान के लिए एक मुट्ठी दाल बहुत है। एक काम कीजिए, आप 7 मुट्ठी इसकी और 3 मुट्ठी इसकी। आपको पता है, अगर आटा अच्छा तैयार करना हो तो उसमें थोड़ा सा घी मिला लेना चाहिए, उससे आटा बहुत अच्छा बनता है। सूरज भैया, 2 लड्डू और दो ना।
सूरज भैया, आज धरती हिल रही है, आपके हाथ कांप रहे हैं। मैंने आपको ऐसे तो पहले कभी नहीं देखा, क्या हुआ? कुछ नहीं, जा तू अपना काम कर। तो फिर वो लड्डू बनाने वाले हाथ आज लड्डू बनाते बनाते कांप क्यों रहे हैं? ऐसे तो मेरे कांपते हैं जब मैं गणित की परीक्षा देता हूँ। परीक्षा ही तो है। ये लीजिए बहन जी, दोबारा आइएगा और अगले हफ्ते मैं सेल लगाने वाला हूँ। नमस्ते 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 जी, बड़ी चिपती चिपाती आपसे मिलने आई हूँ, क्या कर रहे हो? मैं ना आज कुछ अलग करने की सोच रहा था कि इसी साड़ी को पहन के बाजार में सब्जी खरीदने चले जाऊं। अरे और क्या करता हूं मैं दुकान पर, बेवकूफ कहीं की। जानू, इसकी बात को नहीं कर रही मैं, गोदाम खुलवाने की बात कर रही हूँ। कुछ सोचा आपने? गोदाम खुलवाना बहुत जरूरी है। अरे पर मैं क्या कर सकता हूँ, तेरे सामने गया था ना बात करने बाबू से, पर क्या हुआ? अरे टपक पड़ी वो दाई साहब बीच में पापड़ लेकर। अब सीधा सीधा जाके तो बात कह नहीं सकता क्योंकि शक हो जाएगा उन्हें। चल जा अपना काम कर। चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने कहा था भाबो को कि दाई साहब के घर भेज दो मुझे पापड़ बेलने के लिए। अब तो बस इंतजार करना है कि जब सारी औरतें घर पे बैठकर खाना खा रही होंगी तब ये बम फोड़े हम। कहते हैं ना, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। गट्टे में जीरा बोला था या अजवाइन? जीरा जी नहीं, अजवाइन। जीरा या अजवाइन? जीरा। वैसे भाबो कहती है कि इसमें थोड़ा सा जीरा डाल लेना चाहिए, अच्छा होता है। जीरा। सुनिए, बाकी सब में पानी ज्यादा लगता है लेकिन सिर्फ बेसन में ही पानी कम लगता है ना? नहीं, वो आपका पल्लू आग में आ रहा था, ध्यान रखिएगा। रसोई में काम करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। वैसे ही हो रहा है ना सब जैसा इन्होंने मुझे बताया था, कहीं मैं कुछ भूल तो नहीं रही? कहीं कुछ भूल ना जाए, एक ही टाइम पे इतना सब कुछ बताया था मैंने उनको, कैसे याद रहेगा उनको? काम करता हूं, खुद ही जाके देख के आता हूं और मेरे जाने से उनका विश्वास और भी बढ़ जाएगा।
छोटू ये जग का पानी खत्म हो गया, मैं जरा घर से लेके आता हूँ। हाँ सूरज भैया, लेकिन अभी बिल्कुल अभी 2 मिनट पहले मैंने तो इसी जग में बिल्कुल लबालब पानी भरा हुआ देखा था कि कौवा अंदर डूब जाए। अरे तो वो खत्म हो गया ना, ये देख। छोटू तुम्हारे दिमाग से लगता है निकल गया। सूरज भैया मैं कैसे भूल सकता हूँ, और वैसे भी आप मेरा राम, मैं आपका हनुमान, और मेरी याददाश्त तो हाथी जैसी है। लाइए मुझे दीजिए। नहीं नहीं छोटू हो जाएगा, तू एक काम कर, तू दुकान संभाल, मैं लेके आता हूँ। यार ये सीन तो कभी फिल्म में नहीं दिखाया। सूरज इस वक्त अठे क्या कर रहे हो, कुछ काम है के? बाबू वो मैं ये। बेटा वो मैं के बजाय भाबो पानी कह दे तो आसानी से समझ में आ जातो। बीनड़ी जरा पानी का जग भर ले आए। रे मारा राम जी, भाभी लाइए मुझे दीजिए। आप तो पूरा ध्यान खाना बनाने में लगा दो। हाँ वरना वो धाईसा है ना कोई नुकस निकाल ही देवेंगी। ये चूरमे के लड्डू में शक्कर डालना तो भूल ही गए। ए चतुरी जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाए। टेम पास करे टेम पास। क्या बताना चाह रहे हैं ये? के होया मारा लल्ला, सुबह सर्दी हैर कप कपी और अब खांसी छूट रही है, सब ठीक तो है ना? हाँ बाबू सब ठीक है। ना मुझे तो कुछ ठीक ना लागे है। दुकान भर करके रात ने आए, अदरक तुलसी और काली मिर्च का काढ़ा बना कर दूंगी, हैर सब ठीक हो जावेगो। छोरे कुछ और चाहे के? नहीं बाबू। ओ भाबो चूरमे में चीनी ज्यादा डालने को कहना इनसे, वो दाईसा है ना वो मीठा हमसे ज्यादा खावे है इसलिए। बराबर है रे छोरा। बीनड़ी चूरमे में मीठा ज्यादा डालिए, दाईसा ने मीठा ज्यादा पसंद है। जी भाबो। मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।